हमें आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है भाभी। देखो अगर तुम दोनों मुझे समझाने आए। कुछ समझने समझाने की बात तो है ही नहीं। ये जो अचानक आपने अपना 50% शेयर वापस लेने का फैसला किया है भाभी, आप जानते हैं उससे हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अविनाश मैं आजकल सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपने पति को परेशान नहीं देख सकती। भाभी ये जो अचानक आपने अपना हाथ खींच लिया है ना, दिस इज नॉट फेयर। फेयर अनफेयर मैं कुछ नहीं जानती अविनाश। भाभी आपने सोचा है कि जब बाबूजी को इस खबर के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे? अविनाश कोई फायदा नहीं, क्योंकि आजकल तुम्हारी भाभी के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि वो अपने पति को परेशान नहीं देख सकती। तो इसमें गलत क्या है काकी? मैंने कब कहा कि आप गलत कह रही हैं? भाभी आप समझती क्यों नहीं है, हमारी कंपनी का काम रुका हुआ है। तो मैं क्या करूं? अविनाश ठीक ही तो है, अब जो कुछ करना है हमें ही करना है अपनी मेहनत से, और दिखा देना है कि हम किसी के मोहताज नहीं है। अगर मोहताज नहीं है तो मुझसे पूछने के लिए आप लोग क्यों आते हैं? नहीं भाभी, सवाल मोहताज होने का नहीं है, सवाल है कमिटमेंट का, जो आपने कभी हमारे साथ किया, और आज आप खुद अपनी कमिटमेंट से मुकर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि भैया की तरह आपके दिल में भी बेईमानी आ गई है। अविनाश सोच समझ कर बोलिए। तुम्हारी सलाह या तुम्हारी राय किसी ने मांगी नहीं है, ये हमारा फैमिली मैटर है, खुद सॉल्व कर सकते हैं, तुम जा सकते हो। अविनाश हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। धीरज, तुम्हारे इस परिवार से सारे संबंध सारे हक तुम खो चुकी हो। अविनाश जी तुम जा सकती हो। अविनाश क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारे बाबूजी अस्पताल में बीमार पड़े हैं और तुम लोग यहाँ पे ये सब बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अविनाश अगर तुम्हारे बाबूजी का टिफिन तैयार हो गया हो तो इस लड़की को लेकर अस्पताल चले जाओ। नहीं मामा, नहीं, मैं इसके साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊं। अविनाश मेरी प्लीज मामा, डोंट फोर्स मी। अविनाश ये लड़की, बाबूजी का टिफिन तैयार कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊं। जाओ। अच्छा कहीं आपका नाम गुड्डू रानी तो नहीं है? दुर्गा शंकर जी की सुपुत्री? अरे अरे हाँ हाँ, गुड्डोई रानी तो है। नमस्कार, हम आपके पिताश्री हैं, अगर आप पहचानती हो तो। दुर्गा शंकर नाम है हमारा। वाह वाह, आज तो बड़े धन्यभागे साहब हमारे, जो गुड्डो रानी आप घर में विराजमान है। आपको फुर्सत कैसे मिल गई? नहीं बाबूजी, हम तो हमेशा घर पर ही होते हैं। अच्छा अच्छा, आप घर पर होती हैं, हमारी आंखें फूट गई जो दिखाई नहीं देती हैं। क्या भाई गुड्डो, हमने सुना है कि आजकल तुम्हें ये फिल्मों विल्मों का शौक बड़ा चल रहा है। नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो ये तो कुछ नहीं। हाँ, अपने बाबूजी की बात कान खोल के क्या नाम से सुन लो, हाँ दिमाग में धर लो कि ये पिक्चर विक्चर का शौक हमें कतई पसंद नहीं है। जो ड्रामा करना है घर में करो बस। अरे क्या करत हो, काहे हमरे गुड्डो को डांटत हो? अच्छा आ गई आप, इसे आप डांटना कहती हैं क्या नाम से? तो नहीं, हम इसे डांट रहे थे तो। अच्छा देखो, डांट तो तुम रही हो लाजोरानी, हम तो इसे समझा रहे थे कि फिल्मों विल्मों का चक्कर हमें पसंद नहीं है। हाँ समझा देना इसे। और अरे वाह, जरा घूमो घूमो जरा। का है? क्या साहब, ये नई नई गुलाबी गुलाबी साड़ी किसकी मारी?
नहीं नहीं पुरानी रही। अच्छा वो तो हम संभाल संभाल कर पहनत है ना, इसलिए आपका नहीं लगत है। हाँ तो देखो लाजो रानी, जैसे तुम ये साड़ियाँ संभाल संभाल के रखत हो जी, वैसे ही अपनी बेटी को भी संभाल के रखो। समझा दो इसे कि इसके बाप को फिल्मों विल्मों का शौक बिल्कुल पसंद नहीं है, जो ड्रामा करना घर में करे बस। और क्यों जी, तुम्हारे बात समझ में आ गई? आ गई? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ और से बोलो। हाँ बाबूजी। अरे हाँ कहत है ना वो। अब तुम्हारे बात समझ में आ गई इसको समझाने की? अरे हाँ। धीरे बोलो। हाँ अम्मा। नहीं गुड्डू बेटे नहीं। अरे काहे चिंता करते, हम है ना हम सब ठीक कर देंगे। अरे ये का है? हाँ वो नख नख पॉलिश है। हाँ नाखून पर लगा। नेल पॉलिश। हाँ वो ले ले हमरे नाखून पर लगा दे, चल लगा ना। हाँ बिटिया। प्रतीक भैया है? वो कोई वकील आए हुए हैं। हाँ उड़े। अच्छा देखते हैं। हेलो आई एम एडवोकेट विजय कुमार। हेलो आई एम प्रतीक। मैं इंदर जी से मिलना चाहता हूँ। कहिए, आई एम हिज वाइफ। उनके चाचा उनके नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं। क्या? जी उसी सिलसिले में मैं इंदर जी को मिलना चाहता हूँ। ओह आई सी। आई एम सॉरी वकील साहब, इस मामले में हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आप ऐसा कह के इंदर जी का बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगे। आई नो, पर जब हम जानते नहीं है कि इंदर जी हैं कहाँ, तो हम आप कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ है? यहाँ नहीं तो और कहाँ मिल सकते हैं? देखिए हम आपसे कह चुके हैं कि हम नहीं जानते वो कहाँ है। अगर आपको पता चल जाए कि वो कहाँ है तो आप प्लीज हमें बता दीजिए। देखिए आप इंदर जी का पता मुझसे मत छुपाइए। अगर 24 घंटे तक इंदर जी नहीं मिलेंगे तो सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट के नाम की जाएगी। वैसे तो आप इंदर जी की पत्नी है, आप उनका फायदा चाहेंगे ना? कमाल करते हैं आप, जब हम नहीं जानते इंदर कहाँ है तो हम आपको कैसे बता सकते कि वो कहाँ है? आप बार बार क्यों हमें? लेकिन ये प्रॉपर्टी, once and for all let me tell you, हम नहीं जानते इंदर कहाँ है, समझे आप? ठीक है उनकी तकदीर, अगर 24 घंटे के अंदर आपको उनका पता चल जाएगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। How are you feeling, sir? Absolutely fine today. Take care, na. Huh? Thank you, Jamna. Good morning, ma'am. Good morning, Jamna. Kaisi ho? Theek hai. Good morning. Good morning, Babuji. Abhi doctor se milke aa rahe hain. Haan. Keh rahe the ki aapki tabiyat kaafi improve ho gayi hai. Haan, Bibi. Even I'm feeling much better. Zara apne Babuji ko nariyal pani dena. Thank you, beta. माजी आप लेंगे? नहीं तुम दो बेटा, वो ले लेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अरे तो मैं इतने सारे थोड़ी पीऊंगा। आपके लिए लाई हूँ। हाँ हाँ तो मैं पी रहा हूँ। आज तुम दोनों को हमें एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। एक बात कहूं बीवी? जी। आज तक तुमने कभी रिमझिम को बहू के रूप में कबूल नहीं किया, आज इसे बहू कह दो। ये क्या जिद पकड़ लिया आपने? ठीक है आप ठीक हो जाइए, घर आ जाइए, फिर मैं ये भी कर दूंगी बस। अपनी सास के पांच हुए बेटा, आशीर्वाद दे दो इरावती।
सदा सुहागन रहो। बहू, नैना देवी बोल रही, शाम को घर पर आ जाओ। पहला पति मुबारक हो रिंजन भाई। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, दो दो पति। नैना देवी, तुम मुझसे मेरी बेटी को छीन कर ले गई थी ना, और देखो आज मैंने तुम्हारी जिंदगी से सारी खुशियों को दूर कर दिया, तुमसे तुम्हारी जिंदगी का मकसद छीन लिया। पहला पति, दूसरा पति, क्यों अच्छे चक्रव्यूह में फंसाया है ना तुम्हें? कोशिश करोगी तब भी निकल नहीं पाओगी कभी। यूं हारी हारी सी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। वैसे मैं यहां भवानी शंकर जी से मिलने आई हूं, सुना है उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, शायद अपनी बहू की ये हरकत बर्दाश्त नहीं कर पाए। वादा करता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। एक बार उससे बात करने से क्या होगा? देखो मैं तो इतने घटिया, इतने गिरे हुए निकलो, ये हमने कभी सोचा भी नहीं। अरे तुम तो बिकाऊ निकले, नैना देवी ने तुम्हारी कीमत लगाई और तुम बिक गए, मधुआ मजदूर बन गए उनके। इतना लालच भरा होगा जी राज, नैना देवी ने तुमसे कहा तुम यहां। अपनी बदनामी का दोष तुम मेरी मम्मी के सर पे क्यों डाल रही हो? अच्छा नाटक कर रहे हैं तुम लोग दोनों, अब बस करो। भाभी आप बात समझ नहीं रही, ये नैना देवी खबरदार जो मेरी मम्मी का नाम लिया, समझी? कावेरी, कावेरी। देखा देखा प्रतीक, रिमझिम ने एक नया नाटक शुरू किया, अपना इल्जाम दूसरे पे लगाने का। ये तो अच्छा है, अपने पे दोष आने लगे तो दूसरे का नाम ले लो।
प्रॉब्लम तुम्हारे और राज के चोरी छुपे शादी करने का है, इसमें मेरी मम्मी कहां से आ गई बीच में? हाँ कावेरी, इस मामले में इस वक्त हम बात नहीं करेंगे, चलो मेरे साथ चलो। मैंने कहा कावेरी, प्रतीक मैं वहां चीखती रही कि मेरी मम्मी पे कोई गलत इल्जाम लगा रहा है और तुम वहां चुपचाप खड़े रहे, उल्टा मुझे यहां घसीट के ले आए। कावेरी समझने की कोशिश करो, बाबूजी की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, घर में वैसे भी बहुत सारा टेंशन है, इस वक्त हमें एक नया इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। इशू तो हमेशा मेरी बात का बनता है, रिमझिम किसी के बारे में कुछ भी कहती रहे लेकिन प्रतीक को रिमझिम गलत कभी लग ही नहीं सकती ना, गलत तो सिर्फ हमेशा मैं ही रहती हूँ। लेकिन उनके खिलाफ किसी ने कुछ भी गलत कहा ना तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। दिल के किसी कोने में मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो, लेकिन नैना देवी का नाम इस तरह से इस मामले में घसीटना क्यों? कावेरी का रिएक्शन तुमने देख ही लिया है, भैया हम समझ सकते हैं, मां और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, कुछ भी हो जाए कितना भी मन मोटा हो जाए एक दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोच सकते, नहीं सुन सकते। नैना देवी पर इल्जाम हमने लगाया है लेकिन हम पर जो गंदा इल्जाम लगा है उसका क्या? और यह सिर्फ इल्जाम नहीं है, आप जानते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये सच है। नैना देवी ने हमसे खुद कहा है। ये क्या कह रही हो रिमझिम? देवी से मिलने का वक्त आ गया है, 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाकर उन्होंने हमारे घर में हलचल मचा दी है और हम